आपको अपना गांव दिखाते हैं थोड़ा सा। सुभान अल्लाह, कितना एंड लेवल व्यू है। लेकिन अब जब धूप निकल चुकी है तो तब भी एक अपना ही व्यू है मजे का। एग्जॉस्ट चाहिए बाइक का या इंडिकेटर चाहिए, रिमोट लाइट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, मिल जाएगी आपको। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल चाल है? सब भैया का ठीक ठाक है, मजे में सब भाई। चेंज इस तरह के हैं कि आज गांव में मेरा दूसरा है, तीसरा दिन है मेरे ख्याल में। रमजान आपको पता है चल रहा है जैसा कि, और पिछले व्लॉग में मैंने आपको एंड पे बताया था कि मैं एक अपने गांव का टूर दूंगा, थोड़ा सा छोटा सा टूर, तो इतना ज्यादा डिटेल वाला नहीं। बस आज मौसम भी कोई एंड लेवल का मौसम है, मैंने सोचा है कि आज दिन जो है ना सही परफेक्ट है टूर देने के लिए। ऊपर से बादल वगैरह बड़े मजे के बने हुए हैं, बहुत मजे के बादल बने हुए हैं। रमान साहब कंघी कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं टूर के लिए हैं। बादल हाली आप चेक करें, और नीचे ये पहले मैं सोच रहा था कि पैदल ही चलें, टूर जरा दें, फिर मैं देखता हूँ अभी बाइक पे ही कोई पकड़ देता हूँ। GS 150 है वो अरबाज का, वो लेके गया हुआ साथ शॉप पे, क्योंकि इस वक्त आप पता शॉप पे ही होता है वो शॉप पे, वरना आपको मैं उसका भी दीदार करवा देता। उसने टंकी पे मतलब के लगवाया, अभी रैक्सीन टाइप लगवाया है, मतलब कि लेदर टाइप होता है ना, तो उस टाइप का कुछ लगवाया है टंकी पे। अभी मुझे उसका सही नाम याद नहीं है क्या उसे कहते हैं, तो बहरहाल मैं आपको जब आएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं बताऊँगा आपको। अपना गाँव दिखाते हैं थोड़ा सा, तो चलें व्लॉग अपना हम स्टार्ट करते हैं। मैं चेक करता हूं कि 14K सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए हैं कि अभी नहीं हुए। मौसम भी बड़े मज़े का हो जाएगा, ऊपर से 14K की खुशी डबल मज़ा हो जाएगा मैं कहता हूं। वैसे जो टूर की चस है ना वो ज़्यादा GoPro में लगा के टूर लेता ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी GoPro की एंट्री नहीं हुई तो इंशाल्लाह जल्द होगी वो भी। अभी तो ये जो सारी आप गंदम देख रहे हैं अभी इसकी कटाई वगैरह नहीं हुई, सही फुल तैयार नहीं हुई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद पे जब मैं आऊँगा तो सही रेडी होंगी ये फसलें वगैरह भी सारी, उस वक्त भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर ये वेदर, नीचे ये माहौल, पैसे पूरे। अब रमान साहब का आज कहना है कि जहाँ पे ईंटें वगैरह तैयार होती हैं उस जगह पे भी जाना है, वो भी ज़रा दिखाओ। मैं क्या चलो चलते हैं वहाँ पर भी। जहाँ तक मैं ब्रीटा 2 की अपडेट दूँ तो कुत्ता देख रहा है, बता इधर ही रोकने अभी हाथ हो गया वो, ये कि जैसे हम उधर में खड़ा था आपको दिखा रहा था सारा क्या उसे कहते हैं गांव का नज़ारा, तो उसी वक्त दो कुत्ते आए हैं हमारे पीछे लगे, अभी मैं उनकी तरफ ही देख रहा हूँ, वो देख रहे हैं इधर ही। तो मैंने दस्ती मोटरसाइकिल को किक मारी है और भागा हूँ वहाँ से। अब मैं आपको ब्रीटा 2 की जो है ना वो थोड़ी सी अपडेट देता हूँ, तू उधर तक कुत्तियाँ दर ना ना आ जा। अच्छा यहाँ तक इसकी अपडेट है, हालत इसकी काफ़ी टाइट है, टैपट वगैरह जो है वो भी काफ़ी लूज हुए हैं। उसके अलावा ये जो फ्रंट से है, फ्रंट से अभी खबर मिली है कि ब्रीटा 2 जो है ना वो पीछे गिरा था, तो फ्रंट से ये मुडगार्ड भी थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, यहाँ पर लगी है, यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है और यहाँ पे। इसको इंशाल्लाह मेंटेनेंस चाहिए होगी काफ़ी। ये जो काम है ना ये इंशाल्लाह फ्री टाइम में ही होगा। हमारे गांव में ना ये बात मशहूर है कि ये जो आवाज़ आ रही होगी आपको इसकी, जब ये बोलती है ना तो उस वक्त बारिश आती है, मतलब कुछ ही टाइम बाद फिर बारिश हो जाती है। अभी देखते हैं आज कि ये बोल रही है तो बारिश हो जाएगी कि नहीं होगी। अब थोड़े से सिनेमैटिक्स में आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, उसके बाद चलते हैं जहाँ पे ईंटें वगैरह तैयार होती हैं, वहाँ पे बड़े मज़े का व्यू आता है, उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ चलते हैं। Oh,
कहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा दिखाया व्यू, अभी निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, वो दिखाते हैं आपको थोड़ा सा कि मारो ये दरमान साहब आज आज मत कर। कुछ भाई पूछ रहे थे कि जैन भाई आपका गांव कौन सा है, मतलब कि कलर सेदा में आता है, ठीक है कलर सेदा गांव है, पहले भी मैंने बताया था लेकिन कुछ भाई जो न्यू है उनको नहीं पता, तो ये सीन है ठीक है। चलिए अब्दुलरहमान चलो यहाँ पे मैं 2 मिनट बाइक साइड पे रोकता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा, कितने मजे की जगह है ये। बिल्कुल सुकून माहौल, कोई शोर शराबा नहीं। फिर हमने ब्रेटा टू को खड़ा किया हुआ, यहाँ पे छोटे मोटे सीन्स आपको दिखाए हैं। अब नेक्स्ट स्टेशन हमारा इंटे बनाने वाली जगह है, अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाएं व्यू तो यहाँ पे सारा फ्रूट वगैरह सब्जियाँ वगैरह हैं। जब लास्ट टाइम मैं आया था ये सोलर पैनल वगैरह कुछ भी नहीं लगे थे, इस बार तो ये तरक्की हो गई है। बहरहाल अब वहाँ पे थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं व्यू, राइट साइड पे सारी फ्रूट और सब्जियाँ वगैरह और लेफ्ट साइड पर सारी ईंटें वगैरह तैयार होती है। कुछ इस तरह का व्यू है ये जो मैं आपको कह रहा था कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह कितना एंड लेवल व्यू है, बहुत ही हेयर। अभी आपको मैंने सोचा कि छोटा मोटा टूर दे दें, जो सही मेन डिटेल वाला टूर होगा वो इंशाल्लाह मैं गोप्रो लूँ, फिर ही मजा आएगा उस टूर का। उम्मीद है कि आपको हमारे गांव का छोटा सा टूर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं टूर अरबाज के साथ जाके किसी दिन बनाएंगे वीडियो। आप इसी तरह सब्सक्राइब खाली करते रहें तो गोप्रो में कहता हूँ हफ्ते के अंदर आ जाएगा। बारिश आई हुई थी वो भी एक व्यू अपना था, लेकिन अब जब धूप निकल चुकी है तो तब भी एक अपना ही व्यू है मज़े का। ये देखें चलते हैं घर वापस, फिर घर जा मैं प्लान करता हूँ कि आज वापस मुझे पिंडी जाना चाहिए या आज रात में स्टे करूँ, ये घर जा मैं डिसाइड करूँगा। अल्लाह का शुक्र है इस बार जो रोज़े हैं वो बड़े आसान हैं, वरना पहले होती थी गर्मी काफ़ी हैवी किस्म की और प्यास वगैरह ज़्यादा लगती थी। मेरा आता है जी इधर कलर सेदा में, ठीक है कलर सेदा कुछ भाइयों को पता होगा, लेकिन कलर कहार कुछ भाई कह रहे थे कि जैन भाई कलर कहार वाली साइड पे है। कलर कहार एक लहदा है हमारे गांव वाली साइड पे ना, ज़्यादातर मशहूर है मतलब कि दनगली, ठीक है दनगली पुल ज़्यादा वो मशहूर है। कि आज आपके भाई की तैयारी बन गई है पिंडी वापस जाने की, अभी बारिश रुकी है और अगला दिन हमारा स्टार्ट है, बारिश वगैरह अभी लगी थी। ये हाल ही मैंने आपको एक अदद गांव का ज़रा सीन बताया कि किस तरह की माहौल है, व्यू किस तरह का है, जो इंशाल्लाह डिटेल है ना गांव की किस साइड पे आता है। नेक्स्ट चक्कर जब लगेगा मेरा गांव की तरफ जल्दी इंशाल्लाह लगेगा, बहरहाल फिर आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा वो, ठीक है। अभी मैं बस निकलने लगूँ वापसी वाली साइड पर ही, कुछ ग्लोक को थोड़ा मेनटेन करेंगे, ब्रीटा को भी थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे इस बार इंशाल्लाह। निकलते हैं अभी, जो हमारे प्लान बने नेक्स्ट तो आपको बताएँगे। पेट्रोल की क्या सिचुएशन है,
थोड़ा सा इसको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, वैसे पहुंच तो जाएगी, मसला नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन फुल करवा लेते हैं। क्या अब्दुलरहमान साहब, चेंज कुछ इस तरह के हैं कि अभी रुका हूँ, एक दो चीज़ें लेनी है, इधर रिश्तेदार हैं पास, पहले उनके घर जाऊँगा तो इंशाल्लाह फिर वहाँ से आगे अपने घर की तरफ। मुझे लगता है रात हो जाएगी जाते जाते, तो देखते हैं फिर जाके व्लॉग एंड कर देंगे। डेढ़ घंटे का सफ़र किया, पेट्रोल वहाँ पे ही है। फाइनली जी वापस मैं घर आ चुका हूँ। अच्छा खासा शुगर मेरा लगा है, मज़ा आया है, जितना भी टाइम मेरा गांव में गुजरा है। और शहजादे हमारे फिर से एंट्री व्लॉग में, इनकी ब्रीटा का रिमोट भी मुझे मिल चुका है। लास्ट टाइम जब मेरा रिमोट गुम हो गया था, मेरा नहीं ब्रीटा का, तो मैंने उसको म्यूज़िक पे करके छोड़ दिया था, उसके बाद गुम हो गया था। ये देखें अब इसको खास लगाते हैं और फिर इसकी लाइटें ऑन होती हैं। अब इसको वापस वाइट लाइटों पे करते हैं, लेकिन व्लॉग को एंड करना पड़ेगा। जहाँ तक ग्लॉक की अपडेट है, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा हमारा ग्लॉक, और कवर वगैरह इनको मैं अच्छे तरीके से करके चला गया था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल साफ और सुथरे हैं। ठीक है, हर टायर इसका साफ़ करना है तो मैं कहता हूँ एकदम काम टाइट हो जाएगा। अगर बाइक की कोई चीज़ चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, एग्जॉस्ट चाहिए बाइक का, या इंडिकेटर चाहिए, रिमोट लाइट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, तो इंस्टा मुझे रब्ता करें, मिल जाएंगी आपको। व्लॉग आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अब इंशाल्लाह अपनी रूटीन शुरू करते हैं व्लॉग वाली, उसी तरह अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, और दुआ में भाई को लाजमी याद रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।